कैसे हो दोस्तों, आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं आपका दोस्त अमराज सिंह अपने चैनल वर्ल्ड लाइफ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बनारस रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 पर 4-व्हीलर गाड़ियां 2-व्हीलर गाड़ियों के लिए नई पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसका क्षेत्रफल पहले से बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग इस विकास कार्यों को, नई पार्किंग की व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन के नए पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार और कहां पर की जा रही है। गली गली से इधर पूरा रेलवे सब मतलब सब लगता है रेलवे में ही बनाया है। बरेका में जाए बदे एफसीआई के अंदर जाए बदे ये सब जितना है सब जितना भी देख रहा है सब गड़े उड़े सब पड़ जाएगा, सब इधर से सब रेलवे का हो जाएगा। आज जो सामने जो बना हुआ है यहाँ पर क्या होता है भैया? इंजन का सफाईया के लिए ये गोदाम बना है। अच्छा, यहाँ पर इंजन अंदर जाकर सफाई होता है? हाँ, सफाई होता है उसके लिए। रेलवे का जमीन पूरा ही रेलवे में। इधर पर पहले आते थे 40-50 साल पहले तो क्या था यहाँ पे? रेड का पेड़ है। हाँ, जैसे इधर पीछे पोखरी देखिए कितना बढ़िया है। ये सब गांव में मिलता था, यहाँ पर भी जम गया है। खाली जमीन है अपना जमीन। तो इस किस काम में आता है रेड का पेड़ भैया? सिर्फ जलावन के काम में आता है। जलावन का मतलब कि पौधा जो है ये भी तो बहुत प्रमुख है, इसके शायद दवा वा काम में आता है? नहीं, इसके विषय में जानता है, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ है आज तक, किसी ने बताया ही नहीं। धीरे सब उठा ले जाते हैं और का बढ़िया होता तो घरों में लगाया नहीं जाता। देखिए अब नहीं पता बाउंड्री कब किए हैं सब, बाउंड्री वही से रोक दिए सब। आगे सब बढ़े नहीं है, आगे बढ़े नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर उतना ले लेंगे, सब ले लेंगे। खासतौर से ये जेएलबी का जो है कि रेलवे स्टेशन का जो है पीछे वाला भाग है, यहाँ पर गढ़ी उड़ी जो था सब पार्ट के जो है कि रेलवे लेके उसको जो है कि अपने काम में ले रही है। हाँ, पीछे जो है सब जगह बहुत बहुत ऐसे जगह बहुत खाली था, बहुत खाली था, ऐसे पानी भी लगता है सूखी गया है पानी हमेशा। सर ये सब मकानों का पानी सब इसी में ना आता है? आता है, अब धीरे बहुत कम हो गया है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ये इतने जो सारे मकान हैं 50-60 हो ये सब का पानी इसी में आता है। तो जीएलब्ल्यू से जो है कि ये जो है बंद की डीजल आ रहा है ना? हाँ। इंजन सब लाख हो गया, इसलिए लोग जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ से निकल के लोग आ रहे हैं खासतौर से। ये है रेलवे लाइन से मतलब लोग आते हैं और काफ़ी मतलब जो है कि काम धाम भी यहाँ पर हो रहा है। और ये नया बन गया, ये कितना बढ़िया, लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, अपना कर्जा कर लिया इतना उतना बाकी। और ये भी गढ़ा ही बच गया है थोड़ा सा। जगह तो बहुत ज़्यादा है, आप क्रिकेट उर्केट खेल रहे हैं, सब रेलवे जब तक जमीन ले ली है खासतौर से, अब जब तक जगह बचा है तो लड़के सब अपना जो है क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। और देखिए जगह बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा जगह कम से कम बहुत ज़्यादा बहुत तो क्या क्या बनेगा भगवान जाने, काम तो हो रहा है यहाँ पर। रेलवे का जो भी प्रावधान है सब बनाया जाएगा, ये सब खासतौर से जितना भी देख रहे हैं ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं सब जो है कि पहले बहुत पूरा मतलब गढ़िया था सोच लीजिए पूरा, लेकिन पहाड़ का इसको देख कितना बढ़िया मतलब बना दिया गया है और सब बिछा उठा बिछा दिया गया। पहले यहाँ पर डोम की बस्ती थी और जो है कि
आपको हटाकर यह बनाया गया। हाँ, आप ये जो है देख रहे हैं बनारस रेलवे स्टेशन है, इसके बगल में बहुत बड़ा भूभाग था और भूभाग को जो है कि इसका सदुपयोग करके सरकार जो है कि इसमें कुछ नया चीज़ का निर्माण करेगी यात्रियों को रहने के लिए, या कोई भी चीज़ का निर्माण कर गोदाम का निर्माण करेगी, कुछ भी करे, लेकिन इसका जो है सदुपयोग हो गया। अभी तो फिलहाल बच्चे मजा ले रहे हैं, अभी तो सब बच्चे ही मजा ले रहे हैं क्रिकेट खेलने। इतना बड़ा फील्डों नहीं मिलेगा, इतना बड़ा फील्ड कहाँ कहीं रही नहीं गया। और इसके पीछे फ्लैट है सब, मतलब वो लिए हुए हैं कि बनारस रेलवे स्टेशन का जो पीछे वाला भाग है, अब यहाँ पर विकास जारी है, लगातार काम हो रहा है। अब देख रहे हैं ये सब भी, देख सकते कितना मतलब जाली भी लग गया, एकदम पूरा एकदम देखने में कितना बढ़िया, मतलब पत्थर बिछा दिया गया है, पीछा जो है बिछाने वाला चौथा टाइप का बन गया एकदम। अभी उधर का पोखरी जब वो चला जाएगा तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। बाबा का डोम सब बनाए थे। ये कौन सा मंदिर था यहाँ? मसान बाबा का। अच्छा, ये सब रखा हुआ है, अभी सब बिछेगा, सब डोम सब बनाए थे। अच्छा अच्छा, लेकिन सब खत्म हो गया धीरे धीरे। देखिए ये सब भी लगेगा, अभी मतलब सब काट के कटिंग करके रखा गया है। ये भी सब ईटा, देखिए यहाँ पे ईटा पत्थर बिछाया जा रहा है, ईटा बिछाया जा रहा है, चारों तरफ बिछाया जा रहा है। क्या हो रहा है भैया, सब बिछाया जा रहा, क्या बनेगा यहाँ पर? पार्किंग बनेगा, मोटर गाड़ियों के लिए पार्किंग बनेगा। अच्छा अच्छा, जो सामने जो लग रहा है कार मोटर गाड़ी खड़ा हो रहा है, सब इधर का लगेगा। अच्छा, सब पार्किंग बन जाएगा। ये बहुत बड़ा जगह है भी यहाँ पर, वहाँ जगह बहुत छोटा है। तो ये बता रहे भैया कि पार्किंग बनेगा, लगातार काम भी कर रहे हैं, लगभग तैयार हो गया है अब। जगह बहुत भाग का, कितनी कारें, कितनी गाड़ियाँ, कितनी सब साइकिलें खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर। और ये मसाल बाबा का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। कितना साल पुराना है वो? कितने साल पुराना है पेड़? 150 साल। अच्छा, बहुत पुराना पेड़ है। यहाँ से मजदूर लोग जो है काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा पार्किंग बन रहा है यहाँ पर रेलवे का। हाँ, बहुत विशाल लग भी रहा है देखने में। देखिए यहाँ से देखेंगे तो लगेगा एकदम कितना बड़ा है, एकदम मतलब इतना बड़ा पार्किंग है कि कितनी सैकड़ों गाड़ियाँ, हजारों गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी लाइन से। मतलब हीरो होंडा, दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन कितना खड़ा हो जाएगा, बहुत जगह है। अभी तो और कितना गढ़ी बाकी है यहाँ पर, ये पार्किंग का निर्माण हो रहा है खासतौर से। और हम लोग आगे बनारस रेलवे स्टेशन के भूभाग पर, यही से सिर्फ गाड़ी मोटर सब, कितना सब जगह है देख नहीं रहा, कितना काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। सब गिट्टी लोहा सब गिरा हुआ है, सब जो है बाउंड्री हो गया है। ये सब जो है रेलवे का जमीन है। आकाश सबसे ये बनारस रेलवे स्टेशन लोग आ गए, लड़के यहाँ पर भी खेल रहे हैं, सब बैट बॉलिंग हो रहा है, सब जगह जहाँ जगह मिल रहा है वहीं बैट बॉलिंग हो रहा है कि नहीं? जगह देख ले रहे हैं, चालू कर ले रहे हैं। ये गिट्टी बालू सब गिरा हुआ है, देखिए सब ये सब जितना प्लेटफार्म टाइप का बिछाया जाएगा लोग यहाँ आएंगे। ये जो ट्रैक देख रहे हैं ये सब डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मतलब चला गया है कारखाने में, इधर से गाड़ियाँ आती जाती हैं, यहाँ से मुड़कर चला गया है एफसीआई गोदाम में, और उसके बाद जो है कारखाने में भी चला गया है। लगातार ये देखिए कितना पड़ा हुआ है, सब काम हो रहा है, सब बहुत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। क्या भैया? ये पोखरा को चारों तरफ से घेर कर बैरिकेडिंग करके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो ये आ गए हैं एकदम, देखिए बढ़िया जगह है एकदम फर्स्ट क्लास का, बनारस रेलवे स्टेशन के पास ही, जहाँ पर बता रहे थे आपको कि मतलब यहाँ पर
जो कार मतलब जो रखा जाता था सब मतलब 20 साइड रखा जाएगा, बन रहा है अभी फिलहाल, पार्किंग बन जाएगा सब, तो वहाँ से सब हट जाएगा, तो जगह भी कम है वहाँ, जो उस साइड में है वो सब हट कर इधर आ जाएगा। और यहाँ बच्चे जो है अपना यहाँ से नज़दीक भी पड़ेगा, यहाँ से नज़दीक पड़ेगा सीधा, जगह भी काफ़ी है। अब लड़के सब यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं जैसा देख रहे हैं आप, जगह मिला है तो। अरे सुबह सुबह लोग आते हैं यहाँ पर मार्निंग वॉक के लिए, बहुत बढ़िया जगह है भी, और शाम को सुबह को जो है कि सुबह जो है कि काफ़ी लगा लोग आते हैं, फुहारा तो बंद है फिलहाल अभी। जहाँ पुराना पार्किंग था चलिए दिखाते हैं कहाँ पार्किंग है, और फिर नया पार्किंग जब बनेगा करीब 1 महीना लग जाएगा बनने में, जब वहाँ बन जाएगा तो जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ की जब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, सब गाड़ी वही मतलब खड़ी की जाएंगी, यहाँ से सब खाली कर दिया जाएगा, इसलिए कि जगह बहुत कम है यहाँ पर, जगह कम है और जो है कि इसीलिए जो है कि धीरे धीरे जो है ख़त्म यहाँ पर जो है कि गाड़ियों का पार्किंग हटा दिया जाएगा। देखिए ये सब पार्किंग पहले इस पर फिलहाल जो पार्किंग चल रहा है यहाँ पर चल रहा है, ये कार पार्किंग लिखा हुआ भी, ये कार पार्किंग है। हाँ तो सब मतलब यहाँ से हट के नए जगह खुला जाएगा, मोटरसाइकिल पार्किंग उधर। हाँ और ये यात्रीगण लोग बाहर से आए हैं यहाँ पर उतर रहे हैं, किसी को आना है किसी को जाना है, आना है बनारस घूम करके। ये साइकिल और स्कूटर स्टैंड पार्किंग है जैसा कि देख रहे हैं, ये सब लोग तो बाहरी लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के नहीं, दक्षिण भारतीय। हाँ ये सब मोटरसाइकिल पार्किंग है, ये सब जितना पार्किंग देख रहे हैं सब जगह नया जगह शिफ्ट हो जाएगा जब बन जाएगा, तो फिलहाल अभी फिलहाल यही पार्किंग है। और देखिए यहाँ पर जो बनारस रेलवे स्टेशन में जो है कि बाहर के लोग आए हैं यहाँ पर जो है कि अपना कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ऑटो पार्किंग इधर है, ऑटो पार्किंग तो ही रहेगा मान लीजिए, ये रहेगा यहाँ से ये ऑटो पार्किंग रहेगा। हम लोग निकल रहे हैं, गेट नंबर 2 से निकल रहे हैं यहाँ पर, आज तो आपको पार्किंग के बारे में बताया कि पार्किंग कहाँ बन रहा है, नया पार्किंग कहाँ बन रहा है, पुराना पार्किंग कहाँ पर है, और धीरे धीरे इसको हटा कर वहाँ पर कर दिया जाएगा, तो इस और जैसा कि मतलब कि वीडियो में देख रहे हैं 1 महीने बाद ये पार्किंग एकदम बदल जाएगा, बढ़िया लगेगा। हम लोग गेट नंबर 2 से निकल रहे हैं और ये सामने डेलब्रू का रास्ता है, ये मरवाड़ी चला जाएगा सीधे, और कुछ ये रोड जो है कि बेचू की तरफ चला जाएगा। आज से दोस्तों की वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसके लिए लाइक तो बनता ही है, अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।